हरे कृष्णा। 5000 साल पहले द्वापर युग के शेष भाग में भगवान कृष्ण इस जगत में आए और धर्म का स्थापना किए। अपना लीला समाप्त करके जब भगवान वापस अपने आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन लौटे तो वहां जाके उन्होंने सोचा, मैंने जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता के माध्यम से अपना संदेश तो दे दिया, लेकिन इस कलयुग में कितने लोग इसे समझ पाएंगे। मैंने सैद्धांतिक रूप से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए इसे समझना संभव नहीं है, इसीलिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा और स्वयं इस शरणागति को जी के लोगों को दिखाना पड़ेगा। सिर्फ शास्त्रगत ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच के आज से करीब 500 वर्ष पहले इस कलयुग के प्रथम संध्या में भगवान कृष्ण फिर से इस मृत्यु लोक में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने अहेतु की दया से सभी जीव को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं उनका भजन करने के लिए, जिसके द्वारा हम अपने मौलिक चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस को विकसित कर सकें। गौरांग महाप्रभु सभी देवी देवताओं के पूज्य हैं। महाप्रभु के शरणागत हुए बिना कोई भी जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को अद्भुत कारुण्य, अद्भुत वदान्य और अद्भुत औदार्यमय भगवान कहा गया है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने 48 वर्ष के भौम्य लीला में जो शिक्षाएं दिए हैं उसका सार हमें आचार्यों ने दिया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने 10 मूल शिक्षा में महाप्रभु के समस्त शिक्षाओं का सार 10 सूत्र में दिए हैं। वेदांत तो बहुत गहरा है, जीवन भर लग जाएगा इसे समझने में, लेकिन जो आचार्यों ने सार वस्तु दिए हैं उसे हम सहजता से समझ सकते हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने एक कथा में चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का सार ये जो 10 सूत्र आचार्यों ने दिया है उसको बताए थे, जिसे हम यहाँ पर हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है, वैदिक प्रमाण मुख्य प्रमाण है और ये वैदिक प्रमाण प्रामाणिक परंपरा से हमारे पास आया है। ये पहला शिक्षा है महाप्रभु का। दूसरा शिक्षा है, हरि ही परम तत्व, भगवान हरि जो कि भगवान कृष्ण है वो परम सत्य है। तीसरा शिक्षा है, वो भगवान हरि सर्वशक्तिमान है। चौथा, अखिल रसामृत समुद्र, वो हरि सभी रसों के असीमित समुद्र हैं। पांचवा शिक्षा है, जीव भगवान कृष्ण का विभिन्नांश है, सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल। छठा शिक्षा है, जीव भगवान कृष्ण का मार्जिनल पोटेंसी अर्थात तटस्थता शक्ति है, इसीलिए जीव माया के नियंत्रण में आ सकता है। सातवां नंबर है, जीव भगवान के स्वरूप शक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी के नियंत्रण में भी रह सकता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जीव माया के दलदल से निकल भी सकता है। आठवां, ये जो भौतिक जगत है ये भगवान के साथ एक है और उनसे अलग भी है, मतलब एक ही बार में ये जगत भगवान से अलग भी है और उनके साथ भी। नौवें नंबर शिक्षा, शुद्ध भक्ति जीव का साधन है। और आखिर में दसवां शिक्षा, शुद्ध कृष्ण प्रीति जीव का साध्य है, मतलब जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो कृष्ण भक्ति है। ये 10 सूत्र श्रीमन महाप्रभु के शिक्षाओं का सार है। श्रीमन महाप्रभु अद्भुत कारुण्य है, वंडरफुली मर्सीफुल, इसीलिए वो इतना सरल और सहज भाषा में हमें सिखाए हैं कि हर कोई इसको समझ सकता है अपने अपने योग्यता और चेतना के स्तर के अनुसार। यहाँ तक कि पेड़ पौधे पहाड़ पशु पक्षी जो सब आवृत चेतना और संकुचित चेतना में आते हैं वो भी अधिकारी बन जाते हैं इस दिव्य प्रेम को पाने के लिए। महाप्रभु ने अपने लीलाओं में इसका प्रतिपादन किया है। जब वो झारखंड के वन में पशु पक्षी वृक्ष लता यहाँ तक के पत्थर को भी भगवान कृष्ण की प्रेम में उन्मत्त कर दिया, आज भी झारखंड का वो चरण पहाड़ है जो साक्षी है महाप्रभु के इस दिव्य लीला का, जिसका पत्थर पिघल के महाप्रभु और उन सभी पशु पक्षियों का चरण चिन्ह बन गए हैं। महाप्रभु के ये दया हमारे कल्पनातीत है। महाप्रभु ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी को अपने कृपा का पात्र बना दिया। हर कोई मनुष्य देवता वृक्ष लता निर्जीव और सजीव इस प्रेम को पा सकता है, यहाँ तक कि एक पत्थर भी पिघल जाता है।
महाप्रभु ने अपना शिक्षा इतनी सहजता से दे रहे हैं कि हर कोई चाहे कैसे भी चेतना में क्यों ना हो, वो इस परमार्थ मार्ग में चलने में समर्थ बन जाता है। इतना दयालु अवतार क्या कभी किसी ने देखा है? इसीलिए उनको अद्भुत कारुण्य कहा जाता है, क्योंकि महाप्रभु हर किसी को, हर कोई जीव को और निर्जीव को भगवान की सेवा करने का सुजोग दे रहे हैं। सभी जड़ और जीवंत भगवान कृष्ण के सेवक हैं। देवता भी भगवान के दास हैं, मनुष्य भी हैं, एक पेड़ भी है, एक पहाड़, पशु पक्षी, सजीव निर्जीव, हर एक, हर कोई चाहे किसी भी स्तर के चेतना का क्यों ना हो, वो भगवान का दास है, सेवक है। इसीलिए सभी को ये मौका दिया महाप्रभु ने कि आप भगवान का वास्तव में दास बन सको। आज से 500 साल पूर्व महाप्रभु इस मर्त्यलोक में जब अपना लीला कर रहे थे तो हर एक जीव का भाग्य उदय हुआ था कि वो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हिस्सा ले सके। पशु पक्षी यहाँ तक कि पत्थर भी भगवान के इस प्रेम में डूब गए थे। महाप्रभु का ये संकीर्तन यज्ञ आज भी उनके सेवकों द्वारा परिचालित है, जो पृथ्वी के समस्त जीवों को एक सुजोग है अपने जीवन के लक्ष्य कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का। इससे दयालु कोई हो सकता है भला? इसीलिए महाप्रभु को 3 बार अद्भुत कहा गया है, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत वदान्य, अद्भुत औदार्य। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा।